नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। दूसरे चरण के लिए 94 सीटों पर आज शाम से चुनाव प्रचार होंगे बंद। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। कुल मिलाकर 1463 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें से 1316 पुरुष और 146 महिला एवं एक थर्ड जेंडर के प्रत्याशी का नाम शामिल है। इस चरण में 623 निबंधित गैर मान्यता प्राप्त दलों से तो 1513 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी क्षेत्रों में 4 बजे तक मतदान का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं रविवार के शाम 4 बजे और जिन क्षेत्रों में 6 बजे तक मतदान होना है वहां शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले इन सीटों के प्रत्याशी सिर्फ व्यक्तिगत जनसंपर्क के माध्यम से ही वोट देने की अपील कर पाएंगे। चुनावी सभा, नुक्कड़ इत्यादि से होने वाले प्रचार पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। आपको बता दें, दूसरे चरण के तहत पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, नालंदा से श्रवण कुमार और हथवा से राम सेवक सिंह चुनावी मैदान में हैं। छपरा रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनावी प्रचार प्रसार पर आज पूर्ण रूप से विराम लगने वाला है। वहीं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं का संबोधन किया, जिसके तहत उन्होंने छपरा रैली में विपक्ष पर निशाना भी खूब साधा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, छपरा से उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहली बार मतदान कर रहे युवाओं को अपनी माँ से पूछना चाहिए उस दौरान की कहानी। पहले माँ अपने घर से बाहर जाने वाले हर किसी को फोन करके शाम 6 बजे के बाद कहा करती थी, घर आ जाओ बेटा, लकड़ सुगवा आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बिहार में एक दौर में लोगों को जबरदस्ती उठाने का उद्योग काफी फल फूल गया था। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि आप अपने वोट से बिहार को फिर से बीमार होने से जरूर बचाएंगे। आज बिहार के सामने एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल डबल युवराज है और एक तो जंगल राज के भी युवराज है। पटना से भभुआ जा रही यात्रियों से भरी बस धर्मावती नदी में पलटी। पटना से भभुआ जा रही यात्रियों से भरी बस धर्मावती नदी में पलट गई। इसके बाद एक यात्री की जान गंवाने की खबर सामने आई है, जबकि 5 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। सभी यात्रियों को इलाज के लिए कोचस पीएचसी में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि पटना से भभुआ जा रहे यात्रियों से भरी बस को उसके धर्मावती नदी पर बने डायवर्जन के पास धर्मावती नदी में पलट गई, जिससे एक यात्री की जान मौके पर ही चली गई, जबकि 5 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान आलमगीर बांका के ताहिरपुर के रहने वाले शख्स के रूप में की गई है। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गई। अन्य यात्रियों को भी बस से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों के एजुकेशन लोन को माफ करने का किया वादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता में वापस आने के बाद छात्रों से बड़ा वादा किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इन दिनों दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए लगातार जनसभाओं का आयोजन करवाया जा रहा है, जहां सभी दल एक के बाद एक वादे भी करते देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में दूसरे चरण के मतदान से पहले नीतीश कुमार ने भी बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सत्ता में आए तो जो छात्र एजुकेशन लोन नहीं भर पा रहे उनके एजुकेशन लोन को माफ कर देंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले नीतीश कुमार ने छात्रों से बड़ा ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार बनने के बाद मेगा स्किल सेंटर बनाए जाने की भी बात कही है, युवाओं को प्रशिक्षण देने का भी दावा किया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अब्दुल कवि देसनवी की। देसनवी का जन्म नालंदा जिले बिहार के ब्लॉक थावन के देसना गांव में हुआ था। मुस्लिम विद्वान सुलेमान नदवी के परिवार का वो हिस्सा थे जो एक मान्यता प्राप्त इतिहासकार और मोहम्मद के जीवनी लेखक थे। देसनवी सैयद मोहम्मद सईद रजा के पुत्र थे, जो सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के प्रोफेसर थे। देसनवी के दो बड़े भाई थे, बड़े प्रोफेसर सैयद मोही रजा और छोटे सैयद अब्दुल वली देसनवी। अब्दुल कवि देसनवी एक भारतीय उर्दू भाषा के लेखक, आलोचक, ग्रंथकार और भाषाविद थे। उन्होंने उर्दू साहित्य पर कई किताबें लिखी थी। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले पूछे 11 अहम सवाल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जिलों में जनसभा को संबोधित किया। हालांकि उनके आने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज आप बिहार के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो बिहारवासियों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो सकारात्मकता के साथ केवल और केवल बिहार और बिहारवासियों के जीवन को और बेहतरी से संबंधित ज्वलंत मुद्दों और समस्याओं और उनके कार्यकाल में हुए निवारण पर अपना मंतव्य रखेंगे। इसके बाद तेजस्वी ने 11 सवाल भी पूछे,
जिसमें उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरे से पहले उनके बिहार की बेहतरी और विकास से जुड़े निम्नलिखित सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनके अधीन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार शिक्षा स्वास्थ्य के सभी मानकों और सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे है। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी बताए कि नल जल योजना पर लगातार शोर मचाने वाली बिहार की डबल इंजन सरकार कुल बजट का केवल 4% ही जलापूर्ति और सैनिटाइजेशन पर क्यों खर्च कर रही है। महागठबंधन के लिए राहुल गांधी करेंगे जनसभाओं का संबोधन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर एक बार फिर एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महागठबंधन के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार के आमने सामने चुनावी सभा का संबोधन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 जिलों में चुनावी जनसभा को आज संबोधित कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 जनसभा का संबोधन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 और 4 नवम्बर को फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। दोनों दिन वो 22 चुनावी जनसभाओं का संबोधन करेंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी इस बार भी मतदान के लिए बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे समय में बिहार में ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी से मिली जानकारी की माने तो राहुल गांधी की 3 नवंबर को किशनगंज और कटिहार में सभा होगी। उसी दिन दूसरे चरण की वोटिंग होगी। दूसरे दिन 4 नवंबर को भी वो बिहार आएंगे। उस दिन अररिया और बिहारीगंज में उनकी चुनावी जनसभाओं का संबोधन होगा। भागलपुर में पिता अजीत के समर्थन में प्रचार करने उतरी अभिनेत्री नेहा शर्मा। भागलपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा एक बार फिर से मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं उनका समर्थन करने उनकी बेटी भी प्रचार प्रसार में शामिल हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अजीत शर्मा की बेटी और बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा नेहा शर्मा भी चुनावी मैदान में वोट मांगने उतर चुकी हैं। दरअसल भागलपुर की शान नेहा शर्मा आज रोड शो का हिस्सा बनी, जिसमें वो अपने पिता के समर्थन में प्रचार प्रसार करते नजर आए और वोट के लिए अपील करते भी देखी गई। वहीं बीते दिन आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 5 साल तक विधायक रहते पिताजी की तरफ से किए गए विकास कार्यों का भी वर्णन किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस बार भी अगर विधायक बनते हैं तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क आदि में सुधार किया जाएगा। उन्होंने भागलपुर की हवाई सेवा पर भी जोर दिया ताकि मरीज से लेकर उद्योगपतियों का आवागमन आसानी से हो सके, इससे शहर में उद्योग भी लगाने का रास्ता आसान हो जाए। चिराग पासवान ने 7 निश्चय घोटाले के सामने आने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव के 2रे और 3रे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियां प्रचार प्रसार करने मैदान में उतरी हुई हैं। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसके तहत एक बार फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया गया है। हालांकि इस बार आयकर विभाग की तरफ से ये 7 निश्चय योजना से जुड़े ठेकेदारों के यहां जो छापेमारी हुई है, उसके बाद नीतीश कुमार के विरोधियों ने उन पर निशाना नए सिरे से साधना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में चिराग पासवान ने कहा कि 7 निश्चय में घोटाले की जो बात कह रहे थे उन्हें इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई ने साबित कर दिया है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में केवल भ्रष्टाचार है। इस योजना के तहत बिहार में जमकर सरकारी पैसे को गलत तरीके से लिया गया है और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए बिहार में बड़ा घोटाला करने की कोशिश में जुट गए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से उठाए गए कदम के बाद नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं। बिहार के सभी बैंक 11 दिन रहेंगे इस महीने बंद। इस महीने बैंकों की छुट्टी 11 दिन होने वाली है, इसलिए सभी आम नागरिक जिन्हें भी बैंक से संबंधित काम है वो पहले ही अपना काम निपटा ले। मिली जानकारी के अनुसार नवम्बर महीने में 11 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं, जिसमें 6 दिन रविवार और शनिवार की सामान्य छुट्टी होगी। उसके साथ ही 5 दिन दिवाली, भैया दूज, छठ, गुरु नानक जयंती को लेकर बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान बंदी के कारण ग्राहकों को कैश निकासी में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस त्योहारी सीजन और कोविड-19 के माहौल में बैंक प्रबंधकों ने विशेष तैयारी करने का दावा किया है। आपको बता दें कि 1 नवंबर रविवार होने के कारण आज बैंक बंद है, 8 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे, 14 नवंबर को दिवाली है, 15 नवंबर रविवार के कारण बैंकों को बंद रखा जाएगा, 16 नवंबर भैया दूज और 20-21 नवंबर छठ की छुट्टी होगी, 22 नवंबर रविवार है, 28 नवंबर को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे, 29 नवंबर को रविवार है और 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर बैंकों को बंद रखा जाएगा। आज से बदल गए कई सारे नियम। आज से नवंबर महीने की शुरुआत है, वहीं आज से कई सारे नियम बदल गए हैं, जिसका असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार आज से सिलेंडर के लिए ओटीपी दिखाना अनिवार्य हो गया है। बगैर ओटीपी के आपको आपका सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आज से गैस बुकिंग के नंबर में भी बदलाव कर दिया गया है, जिससे अब सभी ग्राहक पिछले नंबर पर गैस बुकिंग नहीं करवा सकेंगे। आज से ही SBI बचत खातों में कम ब्याज मिलेगा। जिन खातों में 1 लाख तक जमा है उस पर ब्याज दर घटाकर 3.25% रह गया है, जबकि 1 लाख से ज्यादा की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही रेलगाड़ियों के समय में भी बदलाव किया गया है। इतना ही नहीं, खाते में ज्यादा बार पैसे निकालने पर चार्ज आज से लगना शुरू हो जाएगा, जिसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक कर्ज खाते में महीने में 3 बार से ज्यादा बार पैसे निकाल लेंगे तो उन्हें हर बार की निकासी पर 150 रुपए देना होगा। वहीं बचत अकाउंट होल्डर को भी 3 बार तक जमा करना फ्री होगा।
लेकिन चौथी बार चार्ज देना पड़ेगा। त्योहारों में घर पहुंचने की जद्दोजहद में फ्लाइट का किराया आसमान पर। कोविड 19 के माहौल में त्योहार में घर पहुंचने की जद्दोजहद ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। ट्रेन की संख्या कम होने के कारण ज्यादातर लोग फ्लाइट के जरिए घर पहुंचने की जद्दोजहद में देखे जा रहे हैं और यही वजह है कि त्योहारों के इस मौसम में फ्लाइट का किराया 5 गुना महंगा हो गया है। कोविड 19 के माहौल में गाइडलाइन के तहत ट्रेनों का सफर लिमिटेड हुआ है, तो इस बार त्योहारों पर केवल 10% ट्रेनों का परिचालन ही करवाया जा रहा है। दिवाली और छठ के मौके पर हर दिन ट्रेन के तकरीबन 2,80,00,000 लोग सफर करते हैं, जो इस बार केवल कोविड 19 की वजह से 19,00,000 तक सीमित हो गए हैं। वहीं फ्लाइट के किराए की बात करें तो जहां पटना से दिल्ली के लिए सामान्य दिनों में किराया 2,400 के आसपास होता है, तो त्योहारों के मौसम में बढ़कर 9,700 के आसपास जा पहुंचा है। दिल्ली से वाराणसी का किराया 8,000, दिल्ली से लखनऊ का 7,000, मुंबई से पटना का 11,000, दिल्ली से कोलकाता का 6,000, दिल्ली से रांची का किराया 9,000 जा पहुंचा है। आईपीएल के 13वें संस्करण में राजस्थान और कोलकाता होगी एक दूसरे के आमने सामने। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिन का दूसरा मुकाबला और आईपीएल के 13वें संस्करण का 54वां मैच आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम 13 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में 6ठे स्थान पर मौजूद है। वहीं कोलकाता की टीम 13 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। टूर्नामेंट में दोनों टीम के बीच पहले एक मुकाबला हो चुका है। कोलकाता ने उस मैच में राजस्थान को 37 रनों से हरा दिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2020 का यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी टीम इस दौरान प्लेऑफ में जगह बनाने का कोशिश सभी टीम कर रही है। वहीं आज पहला मुकाबला चेन्नई और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 81,00,000 के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 46,963 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 81,84,082 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 470 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 122,111 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 74,91,513 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।